नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं वह है सुब्बू पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित नितिन श्रीधर की सामान्य धर्म, एथिकल ड्यूटीज कॉमन टू ऑल। छोटी सी पुस्तक है, पुस्तक का मूल्य है 108 रुपये और कुल इसमें 96 पेज हैं। आखिरी पेज पब्लिशर के बारे में है, उसको मिला के मूल्य इसका 108 रुपये है। पुस्तक के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं, ये फोरवर्ड लिखा है, पुस्तक अंग्रेजी में है। स्वामी स्वात्मा विद्यानंद ने आर्ष विज्ञान गुरुकुल यूजीन यूएसए, श्री श्रीधर्स हैंडलिंग ऑफ द फंडामेंटल टॉपिक ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज इज इंस्पायरिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव। द बुक इज अ डॉन्टिंग कंपेंडियम ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स यूनिवर्सल वैल्यूज केयरफुली कल्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। श्री श्रीधर डिमॉन्स्ट्रेट्स हिज एरिडिशन ऑफ द सब्जेक्ट विथ एक्सटेंसिव साइटेशंस फ्रॉम द श्रुति, द वेदास, स्मृति, सेकेंडरी वर्क्स बाय स्कॉलर्स, इतिहास, एपिक्स एंड पुराण्स, हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल टेक्स्ट्स। सुबू पब्लिकेशंस के बारे में मुझे ट्विटर से उनके कुछ प्रमोशंस के थ्रू पता चला था और फिर वहीं से ऑनलाइन मैंने ये पुस्तक मंगवाई है। पब्लिशर के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूँ, अबाउट सुब्बू ये लास्ट पेज पे दिया हुआ है बुक के, उसके बाद हम बुक के कॉन्टेंट्स और फॉरवर्ड पे चर्चा करेंगे। वी ऑल ग्रो अप विद द वेट ऑफ हिस्ट्री ऑन अस। आर एंसेस्टर्स ड्वेल इन द एटिक्स ऑफ आर ब्रेन्स एज द डू इन द स्पायरलिंग चेन्स ऑफ नॉलेज हिडन इन एवरी सेल ऑफ आर बॉडीज। आई कैन स्टिल स्मेल द स्वेट एंड कैन फाइंड द स्टेन्स ऑफ डर्ट व्हेन आई थिंक अबाउट देम। फॉर अस दे हैव लेफ्ट द लेगेसी ऑफ बींग वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लीडिंग पब्लिशिंग सेंटर्स ऑफ कर्नाटका। साहित्य भंडार स्टैब्लिश इन 1934 बाई एम गोविंद राव एंड एम आनंद मूर्ति, eldest grandfather and grandfather, and Sahitya Prakashan established in 1986 by my father M.A. Subramanya and equally supported by my mother Shailja Subramanya. This new publication Subbu is dedicated to my father who breathes, eats, sleeps and dreams about Kannada books and publishing them effectively, marketing to reach most Kannadigas. His mode of enticing and inspiring to reach and rejuvenate Kannada readers is unique and unparalleled beyond the duty and business of publishing books. You are my inspiration, Papa. If only there could be more dads like you, this country could witness many more successful entrepreneurs. Ritvik Subramanya. So, basically ये publication भी काफ़ी पुराने publishers हैं, उनसे associated है। Forward जो मैंने आपको पीछे पढ़ के सुनाया था book के पीछे से, ये वाला section तो वही है। ये आगे का कुछ हिस्सा है वो मैं आपको बताता हूँ। एडिशनली वन ऑफ श्री श्रीधर्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टॉपिक ऑफ सामान्य धर्म इज हिज एबिलिटी टू ब्रिज द पास्ट एंड प्रेजेंट बाई री इन्फोर्सिंग द रेलेवेंस ऑफ सामान्य धर्म इन कंटेम्प्ररी टाइम्स मार्क्ड बाई क्राइसिस ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस, टेररिज्म एंड इकोलॉजिकल चैलेंजेस। दिस बुक इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नॉट ओनली फॉर लवर्स ऑफ हिंदू धर्म बट ऑल्सो फॉर हिस्टोरियंस एंड सोशोलॉजिस्ट्स। I pray for the book to be widely read and for its tenets to be internalized by all, leading to a more gentle and just world. ये पुस्तक जो है छोटी सी पुस्तक है, पढ़ने के लिए इसमें 88 पेज हैं, कंक्लूजन में ला लें तो 90 पृष्ठ हैं। और जो लोग हिंदी में पढ़ना उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, हिंदी में या संस्कृत में उनकी उतनी फ्लुएंसी नहीं है पढ़ने में, मगर अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी की नॉवेल पढ़ते हैं या कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं अंग्रेज़ी में, उनके लिए अच्छी बुक है। और जो प्राइमरी सोर्सेज हमारे स्मृति या फिर धर्मशास्त्र या ब्राह्मण या उपनिषद, गीता, ये सब नहीं प्राइमरी, बहुत सारे हिंदू सनातन धर्म में टेक्स्ट हैं, बहुत सारा मटेरियल है। अगर हर चीज़ आप नहीं पढ़ सकते तो एक बहुत उनका निचोड़ है उन सारे पुस्तकों में से कि हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, विभिन्न स्मृतियाँ जो हैं उनके हिसाब से हम सब के बीच में क्या ऐसी एथिकल ड्यूटीज़ हैं, क्या ऐसा सामान्य धर्म है जो सबको फॉलो करना चाहिए या जो वो प्रिस्क्राइब करती हैं।
पुस्तक के शुरुआत में ये वराह पुराण से एक प्रार्थना है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, यह दिया गया है। ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन है, धर्म क्या है, डेफिनेशन ऑफ द टर्म धर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ धर्म, सामान्य धर्म, एलिमेंट्स कॉमन टू एवरीवन, सामान्य धर्म एंड सोशल इश्यूज, सामान्य धर्म एंड स्पिरिचुअलिटी, और फिर कंक्लूजन। इसमें सेक्शन टू और सेक्शन फोर का मैं आपको हल्की सी झलक दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से इसमें चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। अब जैसे डेफिनेशन ऑफ धर्म है, तो इसमें जो लेखक हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशन ऑफ धर्म जो भी सोर्सेज हैं उसके आधार पर उसके बारे में बताया है। और यहाँ महाभारत से अब इस प्रकार से देख सकते हैं, संस्कृत में श्लोक नहीं दिए गए हैं, अंग्रेजी में प्रस्तुत किए गए हैं और उनका अर्थ। अब यहाँ महानारायण उपनिषद से कुछ प्रस्तुत किया गया है जो धर्म के को परिभाषित करने में जिन भी श्लोकों का लेखक को लगा है कि इससे धर्म को परिभाषित करना आसान रहेगा, पाठकों को समझाना आसान रहेगा, वो सेक्शंस यूज़ किए गए हैं। यहाँ तैतरीय उपनिषद से एक श्लोक लिया गया है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद है। श्लोक जो प्रस्तुत किया गया है वो भी संस्कृत में नहीं है, अंग्रेजी में ही लिखा गया है। मतलब वैशेषिका सूत्र दर्शन शास्त्र से लिया गया ये श्लोक है। इसी प्रकार ये यहाँ मीमांसा से लिया गया है, ये भी दर्शन शास्त्र गीता से लिया गया है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ धर्म है, सेक्शन फोर एक बड़ा सेक्शन है। बेसिकली ये आपके बुक, इस जो पुस्तक है उसकी पूरे सार को ये कवर करता है, टेनेट्स ऑफ धर्म कॉमन टू एवरीवन। तो यहाँ पे आपको मनुस्मृति में क्या है धर्म के, हर किसी को कौन से टेनेट्स फॉलो करने हैं धर्म के, वो बताया गया है मनुस्मृति के अनुसार। और उसमें से श्लोक भी यहाँ पे लिखे गए हैं, उनके अर्थ भी लिखा गया, उन्हें समझाया भी गया है कि क्या चीज़ है, उनका क्या अर्थ है। विष्णु स्मृति है, याज्ञवल्क स्मृति है, वशिष्ठ धर्मसूत्र है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मैं अभी यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ और जल्द ही इस पर भी वीडियो आएगा, चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, महाभारत, वामन पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण। तो इन सब ग्रंथों में धर्म किस तरह से परिभाषित किया गया है, धर्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो धर्म को डिफाइन करती हैं या जो हम सबको एक जीवन का मूल जिसे कह सकते हैं, आधार, जिसके जिन आधारों पे हमें जीवन अपना जीना चाहिए और उसके निर्णय लेने चाहिए और सही और गलत और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका हमें निर्णय लेना चाहिए, उन सब पे ये पुस्तक है। और बहुत ही अच्छे से रिसर्च की हुई, जैसा आपने देखा कि विभिन्न उपनिषदों से, ब्राह्मणों से, स्मृतियों से, पुराणों से, गीता से, महाभारत से लिया गया ये श्लोकों का संग्रह लेके और फिर उन्हें समझाया गया है कि धर्म क्या है और धर्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो धर्म का जो चरित्र है और हमारे जीवन में उसका क्या प्रारूप होना चाहिए हम सब के जीवन में। तो अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं और आपके पास हमारे धर्म ग्रंथों का और सनातन धर्म में जो इतने सारे ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, इतना लिटरेचर है, वो पढ़ने का समय नहीं है, तो ये एक अच्छी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, ट्रैवलिंग के समय ऐसे भी आप एक दिन में भी चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बार बार आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, जो विभिन्न ग्रंथों की शिक्षा है वो उसका सार आपको इस पुस्तक में मिलता है। तो ये था सामान्य धर्म, एथिकल ड्यूटीज़ कॉमन टू ऑल, नितिन श्रीधर द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में। आशा करता हूँ इससे आपको पुस्तक के बारे में लाभप्रद जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।